मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे, आज TYBCOM का कॉम 221 सब्जेक्ट कॉस्टिंग ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन लेकर के आया हूँ। यह अकाउंटेंसी पार्ट टू का छोटा भाई है, बिना इसके अकाउंटेंसी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। यह वीडियो मराठी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिसके लिए मैं कमलेश जी, रोहन जी और तन्मय सरवड़े जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सारी सामग्रियाँ उपलब्ध कराई। बहुत सारे ये एक इजी सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, जितना एग्ज़ाम लिखा जाए, मैं तो कहूँगा ना कि एग्ज़ाम के अलावा आप थोड़ा सब्जेक्ट का नॉलेज रखिए, बुक्स पढ़िए, ताकि आप भविष्य में जब इंटरव्यू में बैठे ना तो आपको अच्छा पहलू हो जाए। तो चलिए, हम आपको आज बताते हैं। तीन बुक्स होगी, पहली बुक ऑडिटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा इनकम टैक्स। तीनों से बराबर क्वेश्चन आता है, लेकिन बुक वन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑडिटिंग का डेफिनेशन 101% डेफिनेशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज, इसमें से एक चीज़ श्योर आता है, इसलिए चारों पढ़ लो तो चारों में से कुछ भी आएगा आप अच्छे से लिख पाओगे। दूसरा है एरर, मिस्टेक और फ्रॉड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप जानते हैं कुछ लोग ज़बरदस्ती फ्रॉड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ताकि अपना बैलेंस बनाए रहें और अच्छे से अपना बिजनेस काला बाजारी करते रहें। ऑडिट और इसके क्लासिफिकेशन, कितनी तरह का ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, हाँ, एडहॉक ऑडिट, वो सब होता पढ़ लो। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट नोटबुक क्या होती है, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट क्या होती है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होती है, चेकिंग एंड वॉचिंग दो चीज़ क्या होती है, ठीक है, अचानक जो धाड़ पड़ जाती है वो क्या होती है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी कैसे निश्चित किया जाता है। आपने बोला है मेरा जो असेट पड़ा हुआ है 5 लाख का, एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी, 10 लाख है, तो कैसे चेक करोगे भैया ये 5 का है 10। इनकम टैक्स को तो लोग मूर्ख बना देंगे तब इस तरीके से। कंप्यूटर ऑडिट, कंपनी का ऑडिटर कौन हो सकता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन, ये 100% क्वेश्चन आएगा भैया, कंपनी का ऑडिटर कौन हो सकता है, एक CA हो सकता है, ठीक है, एक CS हो सकता है, ऐसे कोई भी नहीं हो सकता, उसकी योग्यता होती है, उसकी डिग्रीज होनी चाहिए। आगे चलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, और कंपेरिजन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों में डिफरेंस, एक क्वेश्चन फिक्स है फाइनेंशियल और कॉस्ट से। कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर किसे कहते हैं, ये देख लेना, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट, मतलब कॉस्ट से लेकर कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे, और ऑडिटिंग वर्ड को लेकर के 4 क्वेश्चन, कॉस्ट वर्ड को लेकर के 4 क्वेश्चन फिक्स मान लीजिए, इनकम टैक्स वर्ड को लेकर कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स पूछ लिया जाएगा, एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स के फ़ायदे नुकसान क्या है, इनकम टैक्स की प्रोसेस क्या है, गवर्नमेंट के नए नए रूल्स क्या है इनकम टैक्स के, या इनकम टैक्स भारत की डेवलपमेंट में सहायक किस प्रकार से है। चलिए मराठी का भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ठीक है, सबसे पहले 2014 का क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर 2016, फिर 2017, ताकि आप पूरा वीडियो देखें अंत तक। इससे क्वेश्चन आएगा 5 मार्क आएंगे, छोटे क्वेश्चन से, 2014 के हैं ना, पहले 2 मार्क्स के रहते हैं। लिक्विड एसेट किसे कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, वैल्यूएशन क्या है ये आ सकता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, ऑप्टिमम प्राइस क्या है, कॉस्ट सेंटर को लेकर मैं बताया ना, ऐसे 2 क्वेश्चन आपस में मिल जाएंगे, कॉस्ट ऑडिट क्या है, कॉस्ट सेंटर क्या है, ऐसे आ जाए, पार्शियल ऑडिट क्या है, फुल ऑडिट क्या है, ऐसा लिख करके आ जाए, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, असेसमेंट ईयर आपको पता ही है भाई, आप बीकॉम में हैं, 2016-17, 17-18 ना, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक का जो असेसमेंट ईयर होता है, पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं, प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं, और इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कभी आप सुने नहीं हो, बुक पे देखना, अगर है तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना। इसमें से इम्पॉर्टेंट 2 ही 3 था, क्या था, वैल्यूएशन था, एक कॉस्ट सेंटर था, और एक इनडायरेक्ट टैक्स था, ठीक है, असेसमेंट ईयर भी आता है कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे ऐसे। हाउ विल यू वेरीफाई लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग को कैसे चेक करोगे आप, कितने की है, कैसी है। 6 टाइप का एरर्स ऑफ कमीशन, कमीशन के 6 एरर बताओ, 4 एडवांटेज बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग टू द मैनेजर। अच्छा, कॉस्ट अकाउंट लेकर क्वेश्चन में पहले ही बता दिया आएगा। 6 मेथड ऑफ वैल्यूएशन, किसी प्रॉपर्टी की, सामान की, एसेट की वैल्यूएशन के मेथड कर लेना। ये इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग के फायदे क्या है भाई, उससे राष्ट्र का निर्माण होता है, कंपनी की असलियत पता चलती है। अगर कंपनी झूठा ऑडिटिंग बताता रहे मैं फायदे में हूँ, पता चले घाटे में जा रही है, तो क्या होगा, राष्ट्र की सब धोखाधड़ी हो जाएगी। आप बड़े लेवल पर कभी सोचो, हाँ, और बुक को अच्छे से पढ़ो, और यह वीडियो देखिए और शेयर भी कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, अगर एक बार कर लिए तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो एक बार क्लिक करके बेल बटन पर क्लिक कर देना, चलो कोई बात नहीं। राइट एनी 6 फीचर ऑफ टैक्सेशन, वो हो गया। सर्विस कॉस्ट सेंटर, हाँ भाई,
कॉस्ट सेंटर को लेकर क्वेश्चन आएगा, उसमें भी सर्विस कॉस्ट सेंटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट पक्का आएगा, एडहॉक ऑडिट और इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट, लीफो मेथड, फीफो मेथड आपको पता ही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले सामान इन्वेंट्री में आया था घर में उसको पहले बाहर करो क्योंकि पुराना हो जाएगा नहीं तो। एक और मेथड क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट, जो पहले आया उसको पहले निकाल दो। कंपेयर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द सिक्स पॉइंट, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट में दो अंतर लिखो। कंपेयर बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट एंड कास्ट का 100% क्वेश्चन आएगा, फाइनेंशियल अकाउंट कास्ट अकाउंटिंग में। एनुअल ऑडिट किसे कहते हैं, बाई एनुअल किसे कहते हैं, या हाफ ईयरली किसे कहते हैं, क्वार्टरली किसे कहते हैं, आपको पता ही, बताने की ज़रूरत नहीं, जो साल में एक बार हो जाए उसको एनुअल कहते हैं, क्वार्टरली जो तीन महीने में। फॉलोइंग आइटम्स का क्या करना है, हाउ द वाउचिंग, सेल्स ऑफ असेट और रेंट रिसीव्ड का वाउचिंग कैसे होता है बुक में, वाउचिंग वर्ड पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मराठी भावानों, कॉम 221 2016 का पेपर भगून गया। अंके क्षणाचे पांच फायदे, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग लिहून घया, लिहा हिशेबा तील, हिशोबा होना चाहिए था कि हिशेबा, ठीक है नहीं भाई, हिशेबा तील, फसवणूक, किस तरह से फ्रॉड होता है अकाउंट्स, विच टाइप्स ऑफ फ्रॉड इज इन अकाउंट्स इज डन, लिखो कौन सा पद्धति ने के लिए जाते। अगर आप आपको फ्रॉड पता रहेगा ना तो जब आप ऑडिटर बन के जाएंगे तो उसी तरीके से चेक करेंगे। खाजगी अंके क्षण मंजे प्राइवेट ऑडिट काय आहे, ह्याचे फायदे नुकसान लिहून घ्या, नहीं लिखा फायदे नुकसान फिर भी लिखो। वार्षिक अंके क्षणाचे पांच फायदे, एनुअल ऑडिटिंग फायदे, हर साल ऑडिट करोगे यार तो पैसे कम लगेंगे और क्लियर जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो पता चला दो साल का ऑडिट बच जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट गुम गया तो क्या कर लोगे। टिप लिहा स्पेशल ऑडिट मंजे काय, देखो स्पेशल ऑडिट हो गया और प्राइवेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट, ये भाई ऑडिट आएगा ही आएगा, और सच बताऊँ तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता है अपने आप लिख सकते हैं। ऑडिट प्रोग्राम के ट्रेड एडवांटेज लिखो, ऑडिट किसे कहते हैं ये पक्का आता है, एडवांटेज के फायदे, नुकसान, नुकसान तो नहीं होता, फायदे ही आते हैं। अंतर्गत मंजे इंटरनल तपासणी चेकिंग व अंतर्गत अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेकिंग में क्या होता है, चेकिंग किया क्या जाता है, ऑडिट के पहले किया जाता है, लेकिन ऑडिट इज़ द फाइनल दिस थिंग, उसके बाद कोई चांस नहीं रहता उसमें, अगर आप फंस गए इंटरनल है तो ठीक है, बाहरी ऑडिट पे फंस गए तो जेल भी हो सकती है। राइट एंड फीचर ऑफ इंटरनल चेकिंग मेथड, किस 10 तरीके से आप चेकिंग कर सकते हैं, हर बुक ऑफ अकाउंट को अच्छे से रखो, देखो, लाइन से लगाओ, डेट वाइज लगाओ, हर एक चीज़ की एंट्री रखो, पासबुक में, कैशबुक में, सब जगह मैच करना चाहिए। अंतर्गत तपासणीची पद्धतीची 10 वैशिष्ट्य लिहून घ्या, वैशिष्ट्य म्हणजे इम्पॉर्टन्स, फीचर्स, विशेषता। प्रमाणकाची व्याख्या व ग्राह्य दस्तऐवजाची यादी लिहा, मंजे डिफाइन द टर्म वाउचिंग, अरे भाई वाउचिंग पे 101% क्वेश्चन आएगा, कोई डाउट नहीं, गिव लिस्ट ऑफ अप्रूव डॉक्यूमेंट्स, वाउचिंग कैसे होती है, वाउचिंग का टाइप क्या है, वाउचिंग क्या है जरा पढ़ लेना, 100% पढ़ लेना भाई। वाउचिंग ऑफ वेजेस, वाउचिंग ऑफ वेजेस 2016 का है, थोड़ा नया लग रहा है इसलिए आ सकता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन, सत्यापनाचे उद्देश्य स्पष्ट करा, ऑब्जेक्ट्स मंजे उद्देश्य, राइट द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैश एट बैंक, बैंकेतील शिल्लकीचे सत्यापन प्रक्रिया काय आहे, जैसे हम गए बोल 2 बज गया तो बोलता भाई मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, अभी नया आएगा तो पुराना जो कैश सिस्टम में जैसे 101,115 लिखा है तो बैठकर कैश में देखेगा 1,115 है कि नहीं, अगर नहीं है तो पुराने कैशियर को नहीं छोड़ेगा। और भी क्या प्रोसेस बुक में लिख लेना, मैं एक एग्जाम्पल दिया, शिल्लक मालाची मूल्यांकन प्रक्रिया, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन या किसी भी एसेट का आपको वैल्यूएशन करना है तो कैसे करोगे। अंकेक्षकाचा मो बदला मंजे रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की फीस कितनी होनी चाहिए, किस बेस पे होनी चाहिए वो लिखो, और ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होती है वो भी आता है। राइट 5 प्रोविजंस एज रिगार्ड डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकता है, कब आप ऑडिटर को उसके पद से हटा सकते हैं, जब वो घूस लिया हो, जब गलत ऑडिटिंग किया हो या जानबूझकर कुछ गड़बड़ किया हो, हाँ तब उसको ऐसा होता। अगला क्वेश्चन राइट, चौथा है, चौथे का 5 होगा, 4 लिखना है। राइट 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के फर्स्ट 5 ऑब्जेक्टिव लिखो, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक्सप्लेन द एडवांटेज, इसके फायदे लिखो। परिव्यय लेखांकनामुळे, परिव्यय मीन्स अकाउंटिंग,
कॉस्ट अकाउंटिंग लेखांक मुळे, अच्छा अकाउंटिंग मीन्स लेखांकन आणि कॉस्ट म्हणजे परिव्रय, ग्राहकांना मिळणारे फायदे स्पष्ट करा. ठीक आहे, राइट द आइटम्स विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कास्ट अकाउंटिंग, कौन सी चीज़ें निकाल दी गई जिनकी अकाउंटिंग नहीं की जाती, लिख दो. मेरिट और डिमेरिट ऑफ फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट जानते हो, फीफो मेथड. लीफो और फीफो पर एक क्वेश्चन 100% आएगा. मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ पीस रेट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग. पीस मतलब कॉस्टिंग जब करते हैं ना, किसी का दाम लगाते हैं. पीस कितनी पीस है, एक पीस का अगर 100 रुपये है तो 10 का है 1000. इस तरीके से सिस्टम. चलिए अगला क्वेश्चन पेपर 2017 का. वीडियो पूरा देखना, कम से कम 3 बार देखना है, तभी मजा आएगा. रोहन जी को 2016 का पेपर देने के लिए और कमलेश जी को 2016-17 दोनों का पेपर देने के लिए धन्यवाद. 17 का पेपर मित्रों, एक सेकेंड. कॉम 221, आपको बता दूं कि अगर आपने अकाउंट्स पेपर अच्छे से किया ना, आते हैं ना, तो बस पास हो जाओगे. और अगर टॉप करना है तो वीडियो 3 बार देखना. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ स्टेचरी ऑडिट. प्राइवेट ऑडिट जैसे होता है, स्टेचरी ऑडिट गवर्नमेंट फिक्स साल में एक बार ऑडिट कराना ही है सीए से, उसको स्टेचरी कहते हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. अंक एक क्षणाचा दृष्टि ने अंतर्गत नियंत्रणाचे प्रमुख भाग खोड़ते हैं, तो स्पष्ट करूँगा. फ्रॉम द ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. फिक्स है अंतर्गत तपासणी पद्धतीचे फायदे. एडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम. अरे चेक सिस्टम करोगे तो ऑडिटिंग में यार प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका पैसा कहीं गड़बड़ नहीं जाएगा. प्रमाण नाचे उद्देश्य स्पष्ट करा. ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाउचिंग. वाउचिंग पे पक्का क्वेश्चन आएगा दोस्त, बार बार बता रहा हूँ. वाउचिंग ऑफ एनी 5 डिफरेंट आइटम्स ऑफ रिसिप्ट साइट. दोनों क्वेश्चन पढ़ लेना, ये हो सकता है दोनों के दोनों आ जाए. वाउचिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर. देखो वाउचिंग, वाउचिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर एंड डिफरेंट आइटम्स ऑफ रिसिप्ट साइट. वॉचिंग ऑफ एनी 5 डिफरेंट आइटम्स ऑफ रिसिप्ट साइट की कोई 5 आइटम ले लो और वॉचिंग में दिखा दो. वॉचिंग मुझे समझ रहे हो ना, विशेष कि खास और रोज गिर दी जाए प्रमाण कैसे करता है प्रमाण. वॉचिंग मुझे प्रमाणन, प्रमाणित करना, निश्चित फिक्स यही है. What are the item points to be considered by the auditor while verification of asset and liability? ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन पक्का आता है. asset and liability को एक ऑडिटर कैसे कंसीडर करेगा. संपत्ति व देयतांचे सत्यापन करताना हिशोब तपासणीला कोणत्या गोष्टी क्या ध्यान में रखकर करता है. एक्सप्लेन हाउ द असेट्स आर वेरीफाइड विच आर सोन इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में जो असेट आया उसको कैसे वेरीफाई करेगा. ताळेबंदात दर्शविण्यात येणाऱ्या कोणत्याही 5 मालमत्तेचे सत्यापन कसे केले जाते हे लिखा. मूल्यांकन पद्धति स्पष्ट करा. वैल्यूएशन ऑफ फॉलोइंग. अरे यार एसेट गुडविल का कैसे आप करोगे बताओ. एक ऑडिटर गुडविल को कैसे मापेगा कि टाटा की वैल्यू कितनी है, रिलायंस नाम की वैल्यू कितनी है. लैंड एंड बिल्डिंग के तो कोई भी कर सकता है, गवर्नमेंट बताता है इस जगह की वैल्यू इतनी है, बुक में देख लो मिल जाएगा. एडवांटेज ऑफ कॉस्टिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग. टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर. कॉस्ट सेंटर पर 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स आएंगे. फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट. परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, सामान खरीदता है बस, बेचता नहीं है, तो उसका डिपार्टमेंट काम लिख देना. एक्सपेरियंस इसमें 5 ओवरहेड्स. परिव्यांची 5 व्ययांचे खर्चाचे विभाजित करा. व्यय मनसे खर्चे. 5 ओवरहेड्स को खर्चों का विवरण करो. कॉस्टिंग के 5 प्रकार लिखो और एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट सीट क्या है. कॉस्ट सीट पर एक क्वेश्चन फिक्स आएगा. मित्रों वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे. जय जय श्री राम.